आज के वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है जिनका अकाउंट बैंक में है और उनको जो है बैंक की तरफ से SMS अलर्ट नहीं आता है। तो वो क्यों नहीं आता है मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ। स्वागत, मैं हूँ जूनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। चैनल सब्सक्राइब करते ही आपको क्या करना है, साथ में इस बेल के बटन को प्रेस कर लेना है। बेल के बटन प्रेस करने से ये होगा कि मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो बेल के बटन प्रेस कीजिए। इसके बाद क्या करना है आपको, सबसे ऊपर जो ऑल लिखा रहता है तो उसको जो है ऑल कर दीजिए। ऑल करने से ये होता है कि मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा बिना कहीं रुके। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊँगा कि किस तरीके से आप जो है, अगर आपका बैंक में जो खाता है, अकाउंट है और आपको जो है SMS अलर्ट नहीं आता है, यानी कि अगर आप मोबाइल जो दिए हुए हैं बैंक में और वहाँ से जो है आप पैसा निकालते हैं या पैसा डालते हैं या कोई पैसा आपको भेजता है या आप चेकबुक के लिए अप्लाई करते हैं या आपको चेकबुक जो है कहीं खो जाता है, बहुत सारे इसमें ऑप्शन ऐसा है जिसका अलर्ट आपके पास नहीं पहुँचता है। तो मैं आपको वही तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप घर बैठे ये सब काम कर सकते हैं। अगर आपका बैंक में अकाउंट है, अगर आपको जो है SMS अलर्ट नहीं पहुंच रहा है तो वो क्यों नहीं पहुंच रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, सो आपको जो है SMS अलर्ट नहीं आता है, तो वही सारा प्रॉब्लम मैं आपको इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, कम्प्लीटली लास्ट तक ज़रूर देखना होगा, तभी आप सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ पाएंगे कि किस तरीके से SMS अलर्ट जो है आपको, अगर बंद है तो उसको आप कैसे चालू करेंगे, या आपका जो है SMS अलर्ट चालू ही नहीं है तो क्यों नहीं है और उसको जो है आप कैसे चालू करेंगे, वो सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाया हूँ। तो आपको जो है बैंक जाके वहाँ पर चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो है बैंक जाके वहाँ पर लंबी लंबी लाइन लगा के वहाँ पर चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या आपको साइबर कैफे या दुकान वाले के पास जाके वहाँ परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में वो सारा तरीका बताया हूँ। अगर आपका जो है बैंक की तरफ से SMS अलर्ट नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, अगर बंद है या आपको SMS अलर्ट चालू ही नहीं हुआ है तो वो सब आप कैसे दूर करेंगे, वो सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप सब कुछ सीख पाएंगे कि किस तरीके से SMS अलर्ट चालू किया जाता है अगर आपका चालू नहीं है तो, अगर चालू है और कुछ इसमें ऑप्शन जो है उस वो जो बंद है तो उसको आप कैसे खुद से ही चालू करेंगे। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप सब कुछ सीख पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप कोई भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर डालेंगे SBI। जैसे यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ चुका है, आप SBI वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए पर्सनल बैंकिंग, आपको लॉगिन वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यू टू लॉगिन, आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है आप अपना यूजर नेम, पासवर्ड, इसका यह कैप्चा आपको यहाँ पर डालना है। अगर कैप्चा समझ में नहीं आता है तो कैप्चा को इस तरीके से रिफ्रेश करके दूसरा कैप्चा ले आएंगे। जो भी कैप्चा आएगा आपको कैप्चा यहाँ पर डाल के यहाँ पर लॉगिन वाले पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको सामने कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पर आप ये सीखेंगे कि अगर आपके बैंक में कोई पैसा निकाल रहा है या आपको कोई पैसा ट्रांसफ़र कहीं से कर रहा है और आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है तो वो जो है SMS के थ्रू आपको मिले तो वो जो है कैसे उसको एक्टिव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ई सर्विस का ऑप्शन है, आपको जैसे इस पर कर्सर रखते हैं तो यहाँ पर देखिए SMS अलर्ट सर्विस, आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका अकाउंट आ गया, यहाँ पे अकाउंट टाइप, यहाँ पे ब्रांच, तो यहाँ पर प्रोसीड वाले पे क्लिक कीजिएगा। जैसे प्रोसीड वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लिखा आ रहा है SMS अलर्ट रजिस्ट्रेशन अपडेटिंग। तो यहाँ पर जो है अलर्ट डिटेल है तो इसको जो है आप एक बार जो है इसको रीड कर लीजिए कि आप जो है क्या सब चाहते हैं और क्या सब नहीं चाहते हैं SMS के थ्रू। अगर आपका बैंक में जो है मोबाइल नंबर है, लिंक है तो उस पर जो है आपको, जैसे आप पैसा डालते हैं या पैसा आपको निकालते हैं या आपको जो है कोई पैसा भेजता है तो आपको जो है मोबाइल पर SMS अलर्ट मिलता है कि हाँ भैया आपको कोई पैसा भेजा है, या आप खुद से पैसा निकालते हैं ATM से या बैंक से तो आपको जो है SMS अलर्ट
किया जाता है कि आपके जो बैंक में से इतने पैसे निकल चुका है या इतने पैसे आपके अकाउंट में आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए आप इसको जो है क्या सब चाहते हैं और क्या सब नहीं चाहते हैं वो जो है यहाँ पर जो है यस नो करके आपको है इसको जो है एक्टिव कर देना। यहाँ पर देखिए आप या चाहते हैं कि चेकबुक स्टॉप हो जाए, अगर चाहते हैं कि स्टॉप हो जाए अगर आप चेकबुक से पैसे निकालते हैं तो यहाँ पर जो है यहाँ पर नो कर देते हैं। तो आप जो है यहाँ पर जैसे ही कर देंगे अपडेट तो आप जो है चेकबुक से पैसा निकालेंगे तो आपको जो है अपडेट नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आए तो यहाँ पे यस वाले पे क्लिक कर देना है। इसी तरीके से यहाँ पे डेबिट कार्ड के से अगर परचेज करते हैं कुछ पैसा निकालते हैं या डालते हैं डेबिट कार्ड के द्वारा जो है जैसे आप एटीएम से पैसा निकालते हैं तो एसएमएस जो है आपके मोबाइल पे नहीं आए तो यहाँ पे नो वाले पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे अपडेट वाले पे क्लिक कर दीजिएगा तो आप जो है एटीएम से पैसा निकालिएगा मोबाइल के थ्रू आपको नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए आपको क्या करना है यस वाले पे रहने देना है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए कि चेकबुक इशू अगर आप कोई भी चेकबुक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो है मोबाइल पे एसएमएस के द्वारा जो है आपको सूचित किया जाएगा कि हाँ भैया आपको जो है चेकबुक अप्लाई हो चुका है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे नो वाले पे क्लिक कर देंगे, नहीं चाहते हैं तो अगर चाहते हैं तो यस वाले पे रहने देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए चेकबुक डिस होल्डर का नाम अलर्ट आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं तो उसको जो यस नो कर सकते हैं। इसी तरीके से होल्ड ऑन अकाउंट आप चाहते हैं कि आप अपना अकाउंट को होल्ड पर करें तो यहाँ पर यस नो कर सकते हैं। इसी तरीके से रिमूव होल्ड अकाउंट बैलेंस आप चाहते हैं तो यस नो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अकाउंट गेटिंग क्रेडिट अबव यहाँ पर आप कितना आपका लिमिट है वो आपके यहाँ पे आप शो कर रहा है मिनिमम लिमिट और यहाँ पे देखिए आपको जो है यहाँ पे मिनिमम लिमिट आपको कितना है अकाउंट गेटिंग डेबिट अबव यहाँ पे देखिए कि आपको जो है क्रेडिट अबव मतलब आपको जो है 5,000 रुपये तक जो है आपको जो है सूचित किया जाएगा मिनिमम अगर आपको निकालते डालते हैं तो। इसी तरीके से यहाँ डेबिट कार्ड के द्वारा जो है आप जो यहाँ पे निकलता है डालता है तो आपको यहाँ पे जो है सूचित किया जाएगा यहाँ पे मिनिमम डेबिट कार्ड अबव और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्रेडिट अबव यहाँ पे डेबिट अबव। इसी तरीके से आपको जो है बैलेंस कितना है वो आपको यहाँ पे शो कर देता है कि आपको जो है कितना जो लिमिट है आपके इस अकाउंट का तो वो आपको यहाँ पे शो कर देता है। तो इस तरीके से गाइस इसको जो है आप यस नो कर देते हैं तो आपको जो है सूचित किया जाएगा कि हाँ भैया आप जो है निकल रहा है डाल रहा है या आपको जो है बैंक से पैसा आ रहा है जा रहा है चेकबुक से निकाल रहे हैं या डाल रहे हैं या आप अकाउंट होल्डर या आपको यहाँ पे जो है चेकबुक है इशू। तो इसमें आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसको जो नो कर देते हैं तो आपको कुछ भी जो है एसएमएस के द्वारा जो है आपको नहीं सूचित किया जाएगा कि हाँ भैया आपको जो है निकल रहा डल रहा है। तो सो गाइस यहाँ से जो है आप बहुत ही ईजी तरीका से आप जो है एसएमएस अलर्ट पा सकते हैं। मेरा पहले से यहाँ पे जो ये सारा कुछ जो है एक्टिव है इसीलिए मैं यहाँ पे जो है अपडेट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको जो नहीं है अगर यहाँ पे नो है तो आपको इसको क्या करना है यस यस कर देना है। यहाँ पे क्रेडिट अबव का लिमिट शो करेगा, यहाँ डेबिट अबव का लिमिट शो करेगा और यहाँ पे आपका टोटल शो कर देगा और यहाँ पे अपडेट वाले पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका जो है एसएमएस अलर्ट स्टार्ट हो जाएगा और जो भी पैसे आप निकालते हैं या कहीं से कोई भेजता है तो वो आपको जो है मोबाइल पे एसएमएस के थ्रू दिया जाएगा। सो गाइस बहुत ही इजी तरीके से आप जो है एसएमएस अलर्ट जो है आप यहां से पा सकते हैं और यहां से आप देख सकते हैं कि आपको क्या एक्टिव है और क्या नहीं एक्टिव है। सो गाइस अब तो आप सीख ही लिया होगा कि अगर आपको बैंक की तरफ से एसएमएस अलर्ट नहीं आता है तो वो क्यों नहीं आता है या बंद है या आपका जो है एसएमएस अलर्ट चालू ही नहीं हुआ है वो सारा प्रोसेस आप इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीख ही लिया होगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।